ना तो इंडिया गेट दिख रहा ना पार्लियामेंट वाले दोनों बिल्डिंग नजर आ रही है, लेकिन ये सब सारा का सारा पॉल्यूशन बढ़ने का जो मेन कारण है वो हम लोग ही हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्रैकर्स बर्न करना और पराली जलाना ये सब हमारी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी हम मानते नहीं है, दूसरे कर रहे हैं इसलिए हमको भी कोई देख रहा है। ये सब अंदर से जो उनके अंतरात्मा है वो इस बात के लिए मानने को तैयार नहीं है, उनको केवल थोड़ी देर के लिए अपनी खुशी चाहिए, लेकिन हमारे बच्चे हमारे बुजुर्ग जिनको इस माहौल में इस एनवायरमेंट में क्लाइमेट में कितनी मुश्किल होती है, शायद उनके घर में भी होंगे लेकिन वो उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों तरफ से ही सख्ती करने की जरूरत है, अपने आप को सुधारना भी है, अपने आप को जागृत करना भी है, और सरकारी तौर पर मैं ये कहूंगी कि पटाखों पर तो बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए। ये कभी भी अपने केवल क्षणिक सुख के लिए तो अच्छा है, लेकिन वास्तव में ये कभी भी एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मेरी सभी से दरख्वास्त है कि जरूरी नहीं है कि दूसरे ही हम पे जबरदस्ती करें, हमको अपने आप पे भी सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए और प्रशासन की तरफ से इसके ऊपर कड़े नियम अपनाने चाहिए। मुझे लगता है कि इसके लिए सब लोगों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। हम लोग सिर्फ सरकार को ब्लेम कर देते हैं कि पॉल्यूशन ज्यादा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, बट हम लोग का भी कुछ कर्तव्य है। हम लोग को भी जितना हो सके कोशिश करना चाहिए जिससे कि पॉल्यूशन न बढ़े। जहां हम मेट्रो से जा सकते हैं मेट्रो से जाएं, जहां पब्लिक कन्वेंस यूज कर सकते हैं वो यूज करना चाहिए, ना कि हर आदमी अपनी गाड़ी लेकर निकल रहा है। वी ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इट, सो वी शुड ऑल्सो लुक इन टू इट कि भाई सिर्फ ब्लेम ना करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझें। दिवाली के बाद से पॉल्यूशन काफी बढ़ा है, कितनी परेशानी हो रही है सर आप लोग? नहीं, पोल्यूशन तो देखिए पहले भी बढ़ा हुआ था, बीच में बरसात हो गई तो कम हो गया, दैट वाज नेचुरल, मतलब हेल्प हो गया, अदरवाइज पोल्यूशन तो पहले भी काफी था। दिवाली के कारण तो बढ़ेगा ही थोड़ा, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन देखिए दिवाली हिंदुओं का बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, खाली दिवाली के नाम पे ब्लेम करना मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। सर सिलेक्टिवली आ रहे हैं आप, इसमें अवॉइड भी करते हैं, थोड़ा सा बारिश होने के बाद थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ था इसलिए फिर स्टार्ट किया है। बाकी लेवल अभी भी ज्यादा है इसलिए मास्क का यूज भी कर रहा हूं मैं तो, क्योंकि बीइंग ए सीनियर सिटीजन। कितनी परेशानी होगी सर आप लोगों को? परेशानी तो बहुत है, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। सुधार होना चाहिए सर, सेंट्रल गवर्नमेंट को देखो इसमें इंटरवेंशन करना चाहिए। ग्लेम चलता रहता है कि पंजाब में पराली जल रही है, तो इसका सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए इनको। बाकी स्टेट गवर्नमेंट सेंटर स्टेट को ब्लेम करती रहती है, तो वो छोड़ के किसानों की हेल्प करनी चाहिए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पिछले बहुत दिनों से परेशानी हो रही है और बेसिकली इसके जिम्मेदार हम लोग खुद ही काफी लोग हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने देखो क्रैकर्स के लिए, आतिशबाजी के लिए बैन लगाया था, लेकिन हम लोग मान के राजी नहीं है। ऐसे धड़ल्ले से हम उसकी, सुप्रीम कोर्ट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, डायरेक्शंस हैं, उसकी हम धज्जियां उड़ाते हैं और बड़े खुशी से उड़ाते हैं। और हम लोग पढ़े लिखे लोग दिल्ली के अंदर स्टेट गवर्नमेंट में, इसमें स्टेट में कम से कम काफी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी हम बॉदर नहीं करते। बाकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, सभी तरफ से एफर्ट्स जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है अभी तक। इसी परेशानी आप लोगों को आ रही है? परेशानी तो यही है कि हम जैसे आते हैं सुबह वो लगता है ऐसे फॉग है, लेकिन होता स्मॉग है बेसिकली। आज जब आप इनहेल करते हैं तब पता लगता है, गले में तो थोड़ा बहुत जरूर वो रहता है और धुआं टाइप लगता है, आंखों में भी जलन सी होती है, पानी सा आता है जैसे, वो है, कुछ ठंड की वजह से भी हो रहा है। डेली आते हैं, परेशानी है, पता लगती है, गले में खड़खड़ हो रही है। बाकी बच्चे बूढ़े सारे हमारे ही हैं ना, सब खराब हो रहे हैं। बस एक मेरे को ये करना था, अगर मैसेज पहुंचे तो मोदी जी अगर एक बार बोल दें तो लोग सब ध्यान रखेंगे, कोई पटाखे भी नहीं चलाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, जो हम बचा सकते हैं। मोदी जी उठ के एक बार बोले, मोदी ने बोला तो थालियां बज गई, दिए जल गए ना, तो ये भी हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है।